हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम ओझा सर एंड टुडे आई एम आल्सो प्रेजेंट अंडर द टारगेट द कीज टू सक्सेस टू डिस्कस ऑन सम पॉइंट्स विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल द एस्पायरेंट्स ऑफ TGT, PGT, LTGIC, KBS, NBS और DSS में एंड होप बाय द मर्सी ऑफ गॉड दैट वेयर यू आर सेफ एंड साउंड। Because in this pandemic period, we are suffering from the great crisis. How to survive, how to maintain our existence in this mortal world is tough time for the humanity and even in the history of humanity too. आज पुनः हम आपके सामने मुखातिब उपस्थित हुए हैं। जब आपके सामने आते हैं तो जिस टाइटल के तहत आपको यह वीडियो सेंड किए जाते हैं, शॉर्ट वीडियोज, द कीज टू सक्सेस, यह द कीज टू सक्सेस का थर्ड पार्ट। जब पहली बार आपको वीडियो गया था उस समय टारगेट दूसरा था। उस समय टारगेट था कि हाउ टू मेक अ साउंड प्रिपरेशन टू क्वालिफाई द एग्जाम एंड वी हैव डिस्कस्ड डिटेल इन दैट वीडियो। उसमें काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कशन हुआ था। दूसरी बार जब नोटिफिकेशंस आ गया वैकेंसीज का, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। आज ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि टू डिस्कस हाउ टू स्टडी, हाउ टू रीड, हाउ टू मेक अ साउंड प्रिपरेशन, बट ओनली ड्यू टू द रिक्वेस्ट ऑफ सम स्टूडेंट्स अबाउट लॉट ऑफ क्वेश्चन आई एम प्रेजेंट हियर। ढेर सारे बच्चे फ़ोन करते हैं। नंबर एक, आपके मन में यह इच्छा है, उत्कंठा है इस पैंडमिक पीरियड में कि क्या एग्ज़ाम होगा कि नहीं। तो एग्ज़ाम 100% होगा। आज से महीने दो महीने पहले भी कुछ लोग छोटे छोटे स्क्रिप्ट बना के यूट्यूब में या वैसे फेसबुक में डाल दिया करते थे कि द एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड वेरी सून, परहैप्स इन मेयर जोन। उस समय भी मैं कहा करता था, जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा, उस समय भी कहा जाता था कि नॉट बिफोर सेप्टेम्बर आ जाएगा। मेरा मानना था सेप्टेम्बर के पहले नहीं होगा। और आज भी कहा जा रहा है कि परहैप्स इन अगस्त और सेप्टेम्बर आपका एग्ज़ाम होगा, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। दूसरा, बच्चों का कहना है कि हाउ टू मेक अ साउंड प्रिपरेशन ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल पीरियड व्हेन द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द राइट टू स्ट्रगल। समझ में लोगों को नहीं आ रहा है कि हाउ टू स्ट्रगल, इट्स टफ टास्क टू अस, कैसे सर्वाइव करें। भीड़ में जाना नहीं है, घर से बाहर निकलना नहीं, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, स्टे इन होम एंड बी अवे फ्रॉम द क्राउड, इट्स टारगेट, इट्स फार्मूला ऑफ टू डेज लाइफ। आज के जीवन का एक फार्मूला बन गया। हम घर में रहें, हम अकेले रहें, भीड़ का हिस्सा न बने, जहाँ रहें मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं। तो दो चीज़ें इसमें हो रही, एक तो देख रहे हैं कि द पीपल्स आर बीइंग टू मच पैनिक आर लेजी लिविंग पीसफुल लाइफ इन देयर होम्स। कहीं ना कहीं या तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, लोगों में देख रहे हैं एक डर, एक भय व्याप्त हो गया। तो ऐसा नहीं है माय डियर ब्रदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग अ यूथ, ट्राई टू मेंटेन योर इम्यूनिटी पावर ऑफ बॉडी। आप यंग हैं, आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहने की ज़रूरत है, लेकिन अपने को बूस्टअप करने की भी ज़रूरत है। दूसरा देखें कि हम तैयारी कैसे करें। क्या ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी? तो ऑफलाइन क्लासेस बिफोर जुलाई, जहाँ तक मेरा अनुमान है, कोई होप नहीं। अगर कोई कहता भी है तो वह केवल जस्ट लाइक अ रेनबो है, वह दिवा स्वप्न है, वह दिवा स्वप्न है। आप अपने घर में रहें, वहीं रह करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जब भी आपको वीडियोज, कॉमन वीडियोज भेज जाते हैं तो उसमें कहा जाता है इट इज़ नॉट मस्ट टू टेक द गाइडेंस ऑफ अ टीचर और टू टेक द सपोर्ट ऑफ एनी कोचिंग। ज़रूरी नहीं है, जो भी अच्छा लेबोरियस बच्चा है वह स्वतः स्टडी करके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, कि आई वॉन्ट सम सपोर्ट अनसर्टेन टॉपिक्स, तो बीच बीच में कुछ टॉपिक्स के वीडियोज आपको भेजे जाते हैं। जैसे रिसेंटली आपको मिलेगा, अभी दो वीडियोज हमने YouTube पे अपलोड कराया है डेमो वीडियोज के लिए। एक द बिगिनिंग ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीचेज एंड वी हैव डिस्कस्ड इन देम व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेटोरिक्स प्रसोडी एंड फिगर्स ऑफ स्पीचेज एंड व्हाट द पीपल थिंक अबाउट इट। हो सकता है कि आपको यह आपके मन में यह बात है कि जब ये पूछे ही नहीं जाते हैं, अब तो इंटरव्यू हट गया है, तो इंटरव्यू हट गया है कि इंटरव्यू है, दैट डजंट मैटर फॉर अ टीचर बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ टीचर।
So in your whole life, you must be ready to give the response of the questions related to English. कभी आप इसलिए ना पढ़ा करें कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं। आप इसलिए पढ़ा करें कि टू गेन नॉलेज। जिस दिन आपको ज्ञान हो गया, जिस दिन आपको ज्ञान हो गया उस दिन नौकरी स्वतः मिल जाती है। दूसरा एक मीटर का वीडियो गया। तीसरा जो पर्पज़ था, इस पैंडमिक पीरियड में बच्चे पूछते हैं नया बैच कब से होगा, नया बैच। तो अगर कोई इच्छुक है नए बैच के बारे में, यहाँ ढेर सारा डिटेल मैंने लिख दिया है। द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश द बेस्ट एजुकेशन एट योर, ये ऑनलाइन का फंडा है, ऑनलाइन का क्लास है। क्योंकि इस पैंडमिक पीरियड में, इस COVID-19 के फियरफुल पीरियड में, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, बी अवे फ्रॉम कोविड के तहत द बेस्ट एजुकेशन एट योर डोर बाई योजा सर, ऑनलाइन क्लासेस फॉर TGT, PGT, LT, GIC, GIC, लेक्चर एट NBS, KBS एंड अदर्स। जिसकी भी आप कक्षाएं चाहते हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। यू कैन कॉल और व्हाट्सएप, आप चाहे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर्स इंस्टीट्यूट के लिखे हैं 9415634828, दूसरा है 7839314613, तीसरा है 9335355899। इन नंबरों पे आप चाहें फॉर मोर इंक्वायरी आप क्वेरी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। द कीज टू सक्सेस पार्ट थर्ड का जो पर्पज है वह क्या है, स्टे होम, स्टे सिक्योर एंड बी अवे फ्रॉम द क्राउड, डोंट बी अ पार्ट ऑफ क्राउड एंड डोंट बी पैनिक, डोंट बी लेजी। आपको आलसी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो न्यू सेपरेट ऑनलाइन बैचेज हम लोग बिगिन कर रहे हैं TGT PGT GIC लेक्चरर के लिए, जिसमें लिटरेचर लैंग्वेज दोनों है। 12th ऑफ मई 12 मई से शुरू हो रहा है ये 12th ऑफ मई। इन नंबरों पर आप बात कर सकते हैं अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है तो। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों कहना है कि बीइंग स्टे, बीइंग सेफ एंड सिक्योर इन हाउस बट वी आर गेटिंग लेजी। बाय नेचर बच्चे हैं, जब घर पे रहते हैं सेफ सिक्योर तो हैं, लेकिन हम लेजी हो जा रहे हैं। हाउ टू वर्क अलोन एट्स टफ टास्क, अकेले पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है। तो उस समय पे ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए एक माने गुड कंपेनियन, एक अच्छा गाइड का रोल अदा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इन नंबरों पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जो लेटेस्ट हमारा न्यू बैच है, सेपरेट लिटरेचर का अलग, ग्रामर का अलग, वह 12 मई से प्रारंभ हो रहा है। तो आप घर पर रहें, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, डोंट बी अ पार्ट ऑफ क्राउड बट डोंट बी पैनिक, डोंट बी लेजी, डोंट बी डिप्रेस टेकिंग दिस क्रिटिकल पीरियड, वी हैव टू सर्वाइव एंड दिस टफ टाइम। हमको आपको इसी टफ टाइम में सर्वाइव करना है और इसी टफ टाइम में सर्वाइव करना है, इसी टफ टाइम में हमको सफलता भी हासिल करना है। और कहीं ना कहीं हर एक सफलता के लिए देख, इंग्लिश में प्रॉवर्ब है कि करेज इज द फर्स्ट लेडर ऑन विच एवरी सक्सेस हैव टू माउंट, साहस वह पहली सीढ़ी होती है जिससे होकर के हर सफलता को गुजरना होता है। साहस वह पहली सीढ़ी होती है, वह पहला सोपान होता है जिससे हर एक सफलता को होकर गुजरना पड़ता है। तो आप यह माने, समय हमेशा टफ होता है। आज हम महामारी की विभीषिका को झेल रहे हैं, पहले हम महामारी की विभीषिका को नहीं झेल रहे थे। लेकिन जैसे ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं चली जाती हैं, अगर हमने अपने अंदर वी हैव मेंटेन्ड करेज एंड पेशेंस इन अस, हमारे अंदर करेज है, हमारे अंदर पेशेंस है, तो यह दौर भी चला जाएगा। बहुत दिनों तक यह COVID-19 का पीरियड नहीं रहेगा, न बहुत दिनों तक चलने वाला है। अगर थोड़ा सा हम पेशेंस रखते हैं, थोड़ा सा अपने को हम उस कंडीशन के हिसाब से ढालते हैं, तो यह पेंडेमिक पीरियड भी चला जाएगा। और जैसे यह जाएगा, एग्ज़ाम होगा, तो आपका साउंड प्रिपरेशन भी हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि हाउ टू यूटिलाइज दिस क्रिटिकल टाइम, इस कठिन समय को हम कैसे यूटिलाइज करें, तो आप इस न्यू बैच में भागीदारी निभा सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय।